दोस्तों आप देख रहे हैं क्राउन CDI 2/600। ये CDI सीरीज का एम्पलीफायर है, बहुत ही ज़बरदस्त एम्पलीफायर है। इसमें DSP इनबिल्ट है, लॉक अनलॉक सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा मेरा आप देखना, आपको सारे फीचर्स सारी डिटेल मिलेगी इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, ऑडियो टाइम विद VP में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आप एक एम्पलीफायर देख रहे होंगे, ये एम्पलीफायर है क्राउन की CDI सीरीज़ का CDI 2/600। ये दो चैनल का एम्पलीफायर है, 600 वाट पर चैनल आपको आउटपुट देता है। साथ में इसमें बहुत सारी और भी खूबियां हैं, ये सब आपको बताने वाला हूँ। इसको कनेक्शन कैसे किया जाता है ये सब बताऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ इस CDI सीरीज़ के बारे में। दोस्तों इस CDI सीरीज़ में आपको 10 अलग अलग तरीके के मॉडल्स आते हैं, जिसमें आपको दो चैनल से लेकर 4 चैनल तक के वेरिएंट आते हैं। साथ में 300 वाट से लेकर 1200 वाट तक के वेरिएंट आपको इस सीरीज़ में मिलते हैं। ये एक ड्राइव कोर एम्पलीफायर है जो पेटेंटेड है क्राउन के द्वारा, इसके अलावा और कोई ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकता है। ये CDI सीरीज़ दोस्तों आपकी हाई से लेकर मीडियम रेंज तक की जितनी भी इंस्टॉल एप्लीकेशंस होती हैं, लाइक रिटेल स्टोर्स, हाउसेस ऑफ वर्शिप, आपके मॉल्स में, 3-स्टार होटल्स में, ऑफिसेस में, या और भी जहां भी आपको इस तरीके की एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं, जहां पे आपको एम्पलीफिकेशन कम चाहिए और एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए और इजीली यूज़ हो जाए। इस CDI सीरीज़ की खासियत यह है, इसके हर एम्पलीफायर में आपको 70 वोल्ट, 100 वोल्ट लाइन, 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 16 ओम इम्पीडेंस, इन दोनों पर ये एम्पलीफायर प्ले करता है। और साथ ही में इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये जितना वोल्टेज आपको 4 ओम पे देता है, उतनी ही सेम वोल्टेज ये आपको 8 ओम पे भी देगा, 100 वोल्ट लाइन पे भी देगा, 70 वोल्ट लाइन पर भी देगा। मींस ये एम्पलीफायर आपका 4 ओम पे 600 वाट पर चैनल देता है, तो ये 8 ओम पर भी आपको 600 वाट पर चैनल ही देगा, 70 वोल्ट, 100 वोल्ट लाइन पर भी आपको ये 600 वाट पर चैनल ही देगा। साथ में इस एम्पलीफायर में और इस सीरीज में ये खासियत है, इसमें आपको ऑन बोर्ड डिजिटल DSP प्रोसेसर मिलता है पर चैनल, जिसमें आपको क्रॉसओवर, लिमिटर, EQ, इनपुट EQ, PEQ, इस टाइप की सारी सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर आपको पर चैनल को म्यूट ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन मिलता है। इससे पहले मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स बताऊं, सिखाऊं, उससे पहले हम देख लेते हैं इसका बैक पैनल। बैक पैनल में आपको इसके इनपुट आउटपुट में किस टाइप के कनेक्शन मिलते हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं, कैसे कनेक्शन किया जाता है उसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम इसके फ्रंट पैनल पे आके इसकी सेटिंग्स सीखेंगे। दोस्तों ये है एम्पलीफायर का बैक पैनल। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको 15 एम्पियर का सॉकेट दिया गया है। साथ में इधर आप देखेंगे आपको कूलिंग के लिए एक फ़ैन दिया गया है जो नॉन स्टॉप चलता रहता है। फ्रंट और बैक दोनों साइड से आपको बराबर कूलिंग देता है, एम्पलीफायर को हीट होने से बचाता है। साथ में आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर टर्मिनल सॉकेट्स दिए गए हैं, इसमें आपको इस टाइप के स्पीकॉन टाइप का कनेक्शन नहीं दिया जाता है, इसमें आपको टर्मिनल सॉकेट्स दिए गए हैं अपने स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर। साथ में इधर आप देखेंगे उसका सेक्शन भी दिया है, डुअल मोड पे कैसे चलाना है, ब्रिज मोड पे कैसे चलाना है। इधर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक इथरनेट का कनेक्शन दिया गया है, ये इथरनेट का कनेक्शन आपका इस एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर के थ्रू सेटिंग करने के लिए, सेट करने के लिए दिया गया है। आप इसको हाईक्यूनेट सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करके इसके द्वारा आप इसको सेट कर सकते हैं। साथ में नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको इनपुट का सेक्शन दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे ये भी फिनिक्स कनेक्टर टाइप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर इसके साथ आता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको किस तरीके की वायरिंग की गई है वो भी बताया गया है, न्यूट्रल प्लस माइनस, न्यूट्रल प्लस माइनस, यहाँ से आप अपना ऑक्स भी बना सकते हैं, डायरेक्ट म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं इसके थ्रू। साथ में आप इसको डायरेक्ट मिक्सर में भी इसका सोर्स ले सकते हैं, उसके द्वारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी आपको ये भी चला के दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बैक पैनल में चीज़ें मिलती हैं आपको। साथ में मैंने यहाँ देखिए दो स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं, चैनल 1 और चैनल 2 दोनों पर, मैं इन दोनों को आज सेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे सेटिंग होती है। चलिए हम फ्रंट पैनल पे चलते हैं और एम्पलीफायर को ऑन करके इसकी सेटिंग्स देखते हैं, इसके फीचर्स को देखते हैं। दोस्तों ये मैंने एम्पलीफायर को ऑन किया, कुछ सेकंड का टाइम लेता है ये ऑन होने में। अब इधर आप देखेंगे मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ,
दोस्तों इधर आप देखेंगे डिस्प्ले में आपको एनालॉग 1, एनालॉग 2, चैनल 1 और चैनल 2 दोनों का दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका बैक का बटन है, इधर आप देखेंगे नीचे यहाँ ये मेन्यू का बटन है। मेन्यू के बटन के थ्रू ही आपकी सारी सेटिंग्स होती हैं, सारे चीज़ों को आप कन्फिगर कर सकते हैं, नए प्रीसेट्स बना सकते हैं। ये आपका रोटरी नॉब है, इसके थ्रू आप दोनों चैनल का एक साथ चाहें तो गेन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। साथ में आप यहां देखेंगे ये पावर का बटन है, इसके बगल में यहां देखेंगे आप इस तरफ, तो आपको सारे आपको यहां चैनल 1 के इंडिकेटर और चैनल 2 के इंडिकेटर, दोनों के इंडिकेटर शो कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे ये सिलेक्ट का आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 का है। नीचे आप चैनल 1 का म्यूट, चैनल 2 का म्यूट, जिसको भी आप सिलेक्ट करके उसको म्यूट करना चाहते हैं वो म्यूट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका म्यूट दिखा भी रहा है, आप इसको अनम्यूट भी कर सकते हैं सिंपल बटन प्रेस करके। आप चैनल 2 सिलेक्ट करेंगे तो आप चैनल 2 का गेन बढ़ाना होगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसको चैनल 2 का गेन सिर्फ सेट कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल 1 का बढ़ाना है तो आप यहाँ से सिंपल सिलेक्ट पे चैनल 1 करेंगे और यहाँ आप देखेंगे चैनल 1 पे आ गया है, उसके बाद आप चैनल 1 का गेन सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट करके अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। चार चैनल में आपको चार अलग अलग टाइप के बटन मिलेंगे, चार अलग टाइप के म्यूट के बटन मिलेंगे। तो ये तो नॉर्मल सेटिंग थी जो हमारी गेन को बढ़ाने के लिए चैनल 1 और चैनल 2 के। अब मैं आपको मेन्यू पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इसमें आपको किस किस टाइप के फीचर मिलते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ आप लोग बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस एम्पलीफायर के बारे में पहले किसी ने कोई जानकारी आपको नहीं दी होगी, बहुत कम लोगों को पता होगा इस एम्पलीफायर के बारे में, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको फिर यूज़ करने में आपके लिए आसानी होगी और सॉफ्टवेयर के थ्रू और मैनुअली दोनों तरीके से आपको सेटिंग्स बताऊँगा, लॉक अनलॉक कैसे करते हैं ये दोनों बताऊँगा मैं आपको। तो ध्यान से देखना, वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आज आपको। दोस्तों ये मेन्यू के बटन का बहुत बड़ा रोल है इस एम्पलीफायर की सारी सेटिंग्स, सारे फीचर्स को समझने के लिए। यहाँ पे मैं इस मेन्यू बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखिए मुझे तीन चीज़ें मिली हैं यहाँ, कन्फिगर एम्पलीफायर, नीचे सिस्टम सेटिंग्स और उसके नीचे नेटवर्क। ये तीन टाइप की आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। अब अगर मेरे को कन्फिगर करना है एम्पलीफायर को, सिंपल मैं इस रोटरी नॉब के थ्रू कन्फिगर पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से रोटरी नॉब को ऐसे प्रेस करूँगा, उसके बाद यहाँ देखें हमें कुछ अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, गाइडेड सेटअप, एम्प वायरिंग, इनपुट सोर्स, आउटपुट मोड, स्पीकर ट्यूनिंग, डीएसपी। गाइड सेटअप में हम प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पे दो टाइप की आ रही है, वाई 1+2, ब्रिज 1+2। अब आपको अपना एम्पलीफायर, अपना सिस्टम ब्रिज मोड पर चलाना है या वाई मोड पर चलाना है, मीन्स पैरेलल मोड पर, तो आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस रोटरी नॉब को मूव करूँगा तो ये मेरा ब्रिज पे आ गया। अगर मुझे वाई 1+2 चलाना है तो वाई पे चला सकता हूँ, नहीं तो नो ट्यूनिंग पे भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, ये हमारा वाई 1+2 हो गया। मैं बैक जाता हूँ। दोस्तों यहाँ मैंने म्यूज़िक प्ले कर रखा है, थोड़ा सा म्यूज़िक में चला देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से, उसके बाद हमारा आता है एम्प वायरिंग। एम्प वायरिंग को मैं रोटरी नॉब को ऐसे मूव करके इस तरीके से यहाँ पे ऐसे प्रेस करता हूँ, उसके बाद यहाँ देखता हूँ मुझे वाई 1+2 और ब्रिज मोड किस पे मेरे को अपने एम्पलीफायर को चलाना है, सेट करना है, उस पे सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपके दो इस टाइप की लाइन है। अगर मैं वाई 1+2 को सेट करता हूँ, यहाँ देखेंगे ये मेरा दोनों चैनल मेरे ट्यून हो जाएंगे वाई 1+2 पे। अगर मैं इनको हटाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हट गया। अगर इसी तरीके से मैं ब्रिज मोड पे जाता हूँ तो मेरा ये सिंपल एक चैनल हो जाएगा पूरे का ब्रिज मोड पे। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ मैं सेपरेट करता हूँ, मैं एक म्यूज़िक चला के आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पता लगेगा। अब आप देखिए यहाँ सिग्नल भी आ रहा है। अब मैं इसको मानिए यहाँ मैं इसको वाई 1+2 करता हूँ तो आप देखिए, और डन करता हूँ ये मेरा वाई 1+2 पे हो गया ये। यहाँ से मैं अपना वाई 1+2 कर सकता हूँ दोस्तों। साथ में अगर मेरे को इसके नीचे मैं गया, यहाँ मेरी एम्प वायरिंग आएगी, एम्प वायरिंग में मैंने इसको सेट किया है, मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं बैक जाऊँगा, बैक में गया, यहाँ मैं नीचे जाऊँगा,
नीचे मेरे को इनपुट सोर्स मिला तीसरे नंबर पे, इसको मैंने जस्ट रोटरी नॉब को प्रेस किया। यहाँ देखा मैंने एनालॉग वन एनालॉग टू, अब हमें इसको इनपुट सोर्स किसका रखना है। जैसे मैंने एनालॉग वन को सिलेक्ट किया, यहाँ मेरे को एनालॉग टू को इनपुट सोर्स रखना है चैनल वन पे, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, प्रेस करके ओके कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे चैनल टू को एनालॉग वन पे रखना है इनपुट सोर्स, तो मैं यहाँ से इसको प्रेस कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपना इनपुट सोर्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक गया। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ आउटपुट मोड आता है। आउटपुट मोड पे मैंने रोटरी नॉब को प्रेस किया। यहाँ देखिए चैनल वन नो ट्यूनिंग। यहाँ आप देखेंगे 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm। इसको मैं प्रेस करके यहाँ से 70 volt, 100 volt जैसा चाहे वैसा सेलेक्ट करके रोटरी नॉब को जस्ट प्रेस करके उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ चैनल वन पे। अभी मैं इसको 4 ohm पे ही चला रहा हूँ, तो मैं इसको 4 ohm पे यूज़ करता हूँ। उसी तरीके से आप चैनल टू में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको इसी तरीके से 70 वोल्ट लाइन पे चलाना है, 100 वोल्ट लाइन पे चलाना है, इम्पिडेंस पे चलाना है, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए बैक करते हैं। बैक करने के बाद मैं 5 नंबर पर देखिए स्पीकर ट्यूनिंग DSP, ये हमारा DSP सेक्शन है। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे आपको इस एम्पलीफायर में एनालॉग वन एनालॉग टू दो दिख रहे हैं। यहाँ स्पीकर ट्यूनिंग DSP, ये इसका DSP प्रोसेसर है। इसमें आपको इनपुट डिले, इनपुट पैरामेट्रिक EQ, 8 बैंड का पैरामेट्रिक EQ मिलता है आपको। इसमें क्रॉसओवर मिलता है, इसमें आउटपुट PEQ मिलता है, वो भी 8 बैंड का मिलता है। साथ में आउटपुट डिले है, लिमिटर है, सेम आपको दोनों चैनल पे इस टाइप के फीचर मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चैनल वन और चैनल टू पे हम लोग इसकी DSP की सेटिंग कैसे करते हैं, इसके ऑटोमेटिक प्रीसेट्स जो इसमें मिलते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देखिए ये इनपुट डिले है। अब मुझे अपने सिस्टम पे इनपुट डिले चाहिए, तो वो मैं कैसे लगाऊंगा? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, ये रोटरी नॉब है, इसको आपको प्रेस करना है। यहाँ आप देखेंगे इनपुट डिले में इनेबल सेकंड फीट मीटर। अब आपको सबसे पहले इनपुट डिले यूज़ करने से पहले, इसको लगाने से पहले आपको यहाँ से इसको इनेबल करना पड़ेगा। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से देखेंगे आप ये रोटरी नॉब को मूव करेंगे, इसके ऊपर लाएंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर मूव करेंगे, ऑन हो गया आपका, ये ऑन हो गया इनपुट डिले। अब मैं एक म्यूज़िक चलाता हूँ, उसके साथ साथ आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। अब यहाँ मैं देखिए यहाँ सेकंड और फीट आप नीचे लाएंगे, यहाँ कितने मिली सेकंड का आपको चाहिए, 1000 मिली सेकंड का इनपुट डिले आपको मिलता है इसमें। जस्ट आपको प्रेस करना है, उसके बाद रोटरी नॉब को ऐसे मूव करना है। आप मूव करूँगा आपको देखिए साउंड में कुछ फ़र्क दिखाई देगा। देखिए जस्ट इसको प्रेस कर देंगे, यहाँ आपका 0.34 फीट, 0.10 मीटर हो गया। इधर आप देखेंगे 0.30 मिली सेकेंड का आपने इनपुट डिले ले लिया है अपने सिस्टम पे, आपको फील आ रहा होगा। इधर दूसरा सिस्टम लगा है मेरा, यहाँ मैंने इनपुट डिले ले लिया। अब मेरे को इनपुट पैरामेट्रिक EQ लेना है। रोटरी नॉब को मूव किया, प्रेस किया, यहाँ देखिए इनेबल सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको रखना है, रोटरी नॉब को प्रेस करेंगे, मूव करेंगे, ऑन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इस एम्पलीफायर में आपको पैरामेट्रिक के इनपुट और आउटपुट EQ में 8 बैंड मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए आप 1 से लेकर 8 बैंड तक कोई भी चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं, गेन, क्यू, फ्रीक्वेंसी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बैंड 1 पे गया, मैं प्रेस किया, नीचे आया, ये मेरा फ़िल्टर है, यहाँ पे कौन सा फ़िल्टर लेना है, लो सेल्फ, हाई सेल्फ, LP बटरवर्थ 1, मैं इसको लेता हूँ। मानिए देखिए इसमें
कुछ आपको कटिंग दिखा होगा यहाँ पे। यहाँ आप देखिए फ्रीक्वेंसी है, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है आपको इसमें 20 हर्ट्ज से लेके 22 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मिलती है। आप 20 हर्ट्ज से लेके 22 किलो हर्ट्ज तक की कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं हर बैंड पे अलग अलग। जैसे मैं 457 पे लिया, यहाँ गेन आया, गेन का लेवल आपको कैसा रखना है, बढ़ाना है। देखिए आप, ये बढ़ गया मेरा गेन। अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ जीरो पर लाके, तो आप जीरो भी कर दीजिए, ज़्यादातर जीरो पे बेस्ट रहता है दोस्तों। उसके बाद ये नीचे डन है, मूव करेंगे, प्रेस करेंगे, ये हमारा इनपुट इक्यू यहाँ पे देखिए आप लग गया है। अभी हमारे ये तीनों नहीं लगे हैं, चारों उसी तरीके सेम एज इट इज़, इसी तरीके से ही हम रोटरी नॉब को यहाँ से मूव करेंगे, क्रॉस ओवर पर आएंगे। क्रॉस ओवर पर आने के बाद यहाँ भी हम प्रेस करेंगे नॉब को, और यहाँ देखिए हाई पास इनेबल, जस्ट हमको नॉब को प्रेस करना है, मूव करना है, इनेबल कर देना है। यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, कौन सा फिल्टर आपको चाहिए, जस्ट प्रेस करके। देखिए मैंने LR48 लिया है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी मेरी 64.5 हर्ट्ज़ की है, तो काफ़ी नॉच लिया है। आप जो भी फिल्टर यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं, इसमें सारे फिल्टर आपको मिलते हैं, जैसे प्रोफेशनल क्रॉसओवर, डिजिटल क्रॉसओवर प्रोसेसर में मिलते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको हाई पास की फ्रीक्वेंसी दी गई है, कहाँ से आपको यूज़ करनी है। जैसे मैं इसको 81 हर्ट्ज पे यूज़ करता हूँ, तो देखिए आप यहाँ लो पास इनेबल, जस्ट प्रेस करेंगे रोटरी नॉब को, मूव करेंगे, ऑन कर देंगे। इधर आप देखिए यहाँ पे फिल्टर टाइप है लो पास, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको LR12 को किया, यहाँ आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, इधर आप गेन बढ़ा सकते हैं पूरा लो पास हाई पास का। यहाँ नीचे जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर पोलैरिटी मिलेगी, इन्वर्टेड नॉर्मल जो रखनी आप रख सकते हैं। उसके बाद प्रेस करेंगे नॉब को इधर, फिर यहाँ देखिए हमारा डन है, डन पर जाएंगे, प्रेस करेंगे, ये हमारा देखिए आप क्रॉसओवर भी लग गया है। उसी तरीके से हम आउटपुट PEQ, आउटपुट डिले भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट हमें रोटरी नॉब को इस तरीके से मूव करना है, लिमिटर पे जाना है, यहाँ लिमिटर को इनेबल करना है, रोटरी नॉब को प्रेस करके इनेबल करना है, यहाँ उसके थ्रेशहोल्ड, रिलीज, अटैक, ये सारे टाइम आपको सेट करने हैं, उसके बाद वो आपका ऑन हो जाएगा। नीचे यहाँ जाएंगे डन पे, डन कर देंगे आप, यहाँ आपका डन हो गया, ये देखिए लग गया। अब मेरे इस चैनल वन पे मैंने इनपुट डिले, इनपुट PEQ, क्रॉसओवर और लिमिटर लिया है, आउटपुट PEQ और आउटपुट डिले नहीं लिया है, तो देखिए सारा लगा हुआ है। उसी तरीके से आप चैनल टू में भी इसी तरीके से यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, चैनल टू में भी प्रेस करके हर बटन को आप सेटिंग अलग से कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इसमें फैसिलिटी दे रखी है, XTI सीरीज़ के एम्प में भी दोस्तों इस टाइप की सेटिंग नहीं दी है DSP की, जो आपको प्रॉपर सेटिंग करके दिखाए, प्रॉपर क्रॉसओवर की, प्रॉपर हर DSP सेटिंग को आप हर चैनल पे अलग अलग सेट कर सके, और इतने वाइड तरीके से नहीं है उसमें। इसमें आपको सारी सेटिंग अच्छे तरीके से दी रखी है आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वैसे नॉर्मल भी सेटिंग अच्छी दे रखी है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप कोई प्रीसेट यूज़ करना चाहते हैं सिस्टम में जो ऑटोमेटिक है पहले से, तो आपको करना क्या है, लिमिटर के आगे रोटरी नॉब को, जस्ट रोटरी नॉब को यूं मूव करना है। यहाँ आप देखेंगे कस्टम लिखा आ रहा है, रोटरी नॉब को प्रेस करना है। यहाँ आपके देखिए स्पीकर की सारी ट्यूनिंग आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। आप रोटरी नॉब को मूव करेंगे, देखिए JBL AC सीरीज़, इसको प्रेस करेंगे रोटरी नॉब को, यहाँ AC 15, 16, 18, 26, तो ये सारे हमारे JBL के इंस्टॉल्ड सीरीज़ के, क्लब सीरीज़ के मॉडल हैं, उनकी आपको ऑटोमेटिक दे रखी है प्रीसेट्स। इसमें AWC ऑल वेदर स्पीकर की भी आपको सेटिंग दे रखी है। नीचे आप जाएंगे CVT कंट्रोल सीरीज़, कंट्रोल 20 सीरीज़, 40 सीरीज़, तो आप देखिए हर ईओन की भी आपको दे रखी है यहाँ पर, JRX की भी है, LSR की है, M-Pro है, MRX है। तो जितने आपको डिजिटल क्रॉसओवर में सेटिंग्स मिलती हैं वो सारी सेटिंग्स आपको मिलती है। देखिए SRX 800, 700, STX 800, VLA, VRX, लाइन एरे, तो इस सारी सेटिंग्स आपको मिलती हैं। यहाँ देखिए सिनेमा के स्पीकर्स की सेटिंग भी आपको मिलती है, सराउंड के स्पीकर की सेटिंग है, ये आपके ऊपर देखेंगे JBL सबवूफर, ये सिनेमा के सबवूफर की सेटिंग्स है। तो सारे प्रीसेट्स आपको ऑटोमेटिक दिए गए हैं, आप इनको भी सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जाके जो है सारी
डीएसपी में सेटिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपने फ्रीक्वेंसी सेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सिंपल क्लियर ट्यूनिंग को प्रेस कर दीजिए। यहाँ देखिए यस मांगेगा, नो मांगेगा, जो आपको करना है आप यस कर दीजिए, आपका ये क्लियर ट्यूनिंग पे आ गया। उसी तरीके से आप चैनल टू में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों सेटिंग सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको लॉक कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई सिस्टम अपना इसमें सेट किया है, कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट की है, जो भी चीज़ सेट की है उसको लॉक करना है, लोगों को छेड़ने से बचाना है, कोई छेड़ ना सके। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ से बैक जाना है, आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स में। आप देखेंगे यहाँ सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी में आपको रोटरी नॉब को मूव करके जाना है। सिक्योरिटी में जाएंगे आप, यहाँ देखिए फ्रंट पैनल लॉकआउट। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखेगा। रोटरी नॉब को जस्ट आपको ऐसे प्रेस करना है, यहाँ यस आ गया। उसके बाद आपको रोटरी नॉब को मूव करना है, यहाँ देखेंगे आपका डन है, ये डन पे लेके आना है। आपका फ्रंट पैनल लॉक हो गया। अब आप देखिए आप कोई भी सेटिंग छोड़ेंगे तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। अब इसको अनलॉक करने का एक ही तरीका है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप करना क्या है, आपको इन चैनल में से कोई भी चैनल को ऐसे प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ से रोटरी नॉब को प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, ये फ्रंट पैनल आपका अनलॉक हो गया। उसके बाद आपको जाना है मेन्यू में, मेन्यू में जाके सिस्टम सेटिंग में जाना है, यहाँ सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ फ्रंट पैनल लॉकआउट जो आपका है, देखिए आप जूम करके दिखाता हूँ मैं, इसको आपको यहाँ से रोटरी नॉब को प्रेस करके हटा देना है। फिर नीचे जाना है डन पे प्रेस कर देना है। ये आप ज़रूर कर लेना जब अनलॉक करना, क्योंकि अगर आप अनलॉक करने के बाद इसको सिक्योरिटी से नहीं हटाएंगे तो फिर वो थोड़ी देर में लॉक हो जाएगा आपका सिस्टम। नीचे हम देखिए आप यहाँ एम्प गेन है, प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको 37 dB, 34 dB, 26 dB, ये तीन तरीके के दिखाएगा। आप जितना चाहें एम्प का गेन बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बैक करेंगे हम, नीचे जाएंगे, यहाँ पावर मोड है। पावर मोड में आप देखिए आपको ऑटोमेटिक पावर डाउन का ऑप्शन मिलता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ ऑटो में चैनल डिसेबल, इसका मतलब ये है इसको जब आप रोटरी नॉब को प्रेस कर देंगे और यहाँ आपने ऑटो चैनल डिसेबल का थ्रेशोल्ड -80 dB और टाइम आउट डिले 6 मिनट रखा है, तो 6 मिनट तक अगर आपका एम्पलीफायर -80 dB से ऊपर कोई भी सिग्नल नहीं कैच करता है तो ये 6 मिनट बाद ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, स्लीप मोड पे चला जाएगा। तो ये आप यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं इसकी, कितने मिनट में कितने उसमें देरी में आपको टाइमिंग सेट करनी है। इसको सिंपल रोटरी नॉब रिमूव करके यहाँ से ऐसे आप 35 मिनट 6 मिनट 10 मिनट जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं आप इसमें। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी है आपको, आपका सिस्टम जो है वो पावर भी ज़्यादा जनरेट नहीं करेगा, कहीं यूज़ नहीं हो रहा है और लगा हुआ है पावर ऑन है, तो कम से कम आपका ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पावर भी कम यूज़ होगी, एनर्जी भी काफ़ी बचेगी। इस तरीके से ऐसी अच्छी फैसिलिटीज आपको CDI सीरीज़ के हर एम्पलीफायर में क्राउन देता है और 3 साल की वारंटी देता है। तो आप ये एम्पलीफायर ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़बरदस्त एम्पलीफायर है ये दोस्तों, सब XTI के पीछे पड़े रहते हैं, इसको भी देखिए यूज़ कीजिए, हमने कई जगह लगाया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो चलिए ये तो रही मैनुअल सेटिंग, अब मैं आपको इसकी ऑडियो आर्किटेक्ट इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू सेटिंग करके बताता हूँ कैसे सेटिंग की जाती है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारी सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर के थ्रू सेटिंग करना। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इस टाइप का एक इथरनेट केबल लेनी है RJ45, और पीछे मैंने आपको एक इथरनेट का कनेक्शन करने के लिए दिखाया था, आप वहाँ पे आपको इसको लगाना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इसको लगाइए आपके पास कोई ना कोई नेटवर्क का कनेक्शन रहे, वरना ये ऑनलाइन नहीं होगा। आपकी सेटिंग तो दिखाया गया लेकिन ऑनलाइन नहीं चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखिए ऑडियो आर्किटेक्ट है, इसको हमें डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में, फिर उसके बाद हमें इसे ओपन करना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको कोई इश्यू हो तो बताना, आप मैं आपको सिखा दूँगा कैसे डाउनलोड होता है। ये देखिए आप, ये हमारा ओपन होगा, थोड़ा टाइम लेता है ये ओपन होने में। यह हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। उसके बाद हमें करना क्या है, फाइल में जाना है, न्यू को सिलेक्ट करना है,
यहाँ हमारा देखिए एम्पलीफायर आ गया, यहाँ देखिए ऑफलाइन है, मुझे इसको गो ऑनलाइन करना है, तो ये देखिए आप गो ऑनलाइन है, इसको मैं प्रेस करूँगा, ये मेरा ऑनलाइन हो गया सिस्टम। यहाँ देखिए डिवाइस भी दिखा रहा है, अब मैं इसको प्रेस करूँगा, यहाँ देखिए ये मेरा ऑनलाइन पर सारी सेटिंग्स आ गई। इधर आप देखेंगे ये इनपुट वन, इनपुट टू, डिले, इनपुट डिले, ईक्यू, क्रॉसओवर, आउटपुट ईक्यू, आउटपुट डिले, लिमिटर, ये मेरे चैनल और चैनल टू के आ गए। यहाँ मेरा मोड है सिलेक्ट करके, मैं डबल सेलेक्ट करके यहाँ मुझे वाई वन प्लस टू और ब्रिज कैसा मुझे रखना है, उसके बाद मुझे इसको यहाँ से मेरा सेट करना है, सेटिंग मेरे को किस टाइप की रखनी है, 4 ओम, 8 ओम, 2 ओम किस पे चलाना है, 100 वोल्ट, 70 वोल्ट लाइन जिस पे भी चलाना है आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम पे चला रहा हूँ तो उसी पे रखता हूँ। इसको मैंने बैक किया, यहाँ देखिए आप सिंपल इसको डबल क्लिक करेंगे डिले को, यहाँ से आप उसके सेकंड मिड फीटर को ऑन करके यहाँ सिंपल इसको प्रेस करेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर दीजिए, यहाँ से फिर नॉट चले जाइए, ईक्यू है आपका। अब आपको सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इसके ग्राफ को सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको 8 बैंड मिलते हैं, इसके सबके ये फिल्टर्स हैं, आपको कौन सा फिल्टर किस पे रखना है, स्लोप कैसा रखना है, फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे कहाँ की सेट करनी है, कौन से बैंड पे कौन सी फ्रीक्वेंसी रखनी है, गेन कितना रखना है, क्यू फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी है। जैसे देखिए देखिए वाइड होता चला जाएगा ये, इस तरीके से आप अपने पैरामेट्रिक ईक्यू को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ है, ऑफ़ करना है, ऑफ़ कर दीजिए, प्रेस करके ऑन कर दीजिए, ऑफ़ कर दिया मैंने, देखिए यहाँ से मेरा ईक्यू हट गया। इसी तरीके से यहाँ क्रॉसओवर में भी आपको ग्राफ, आप देखेंगे ग्राफ देख के आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ आप उसके फिल्टर सेट कर सकते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी हाई पास की, लो पास की, जैसे मैंने ऑन किया हाई पास को, अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट करता हूँ। देखिए आप, देखिए आप, मैंने इसको 100 हर्ट्ज पे सेट किया, तो ये देखिए मेरा ये 100 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, सारी हाई फ्रीक्वेंसी देखिए हाई पास हो गया मेरा। अब मैं इसका LR जो है वो, इसका फिल्टर मैं चाहूँ तो बटरवर्थ 12 भी कर सकता हूँ और LR 24 भी, जितना क्लियर मुझे चाहिए मैं उतना क्लियर इसको रख सकता हूँ। देखिए एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसका गेन यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, मुझे 12 dB गेन करना है, जैसे ये मेरा 12 dB गेन बढ़ गया, अभी मैं इसको 0 ही कर देता हूँ, 0 dB हो गया, देखिए बिलो 0 dB हो गया ना आपका। उसी तरीके से मैं ऑन करता हूँ लो पास, लो पास भी अगर मुझे मानिए 10 किलो हर्ट्ज पे लाता हूँ, मैं लो पास कट करता हूँ 10 किलो हर्ट्ज तक लो पास फिल्टर, ये देखिए यहाँ से मेरा कट गया। उसके बाद यहाँ से मैं गेन सेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं गेन सेट कर सकता हूँ, ऑन हो गया मेरा। अब मैं इसको बैक जाऊँगा, आप देखेंगे कि मेरा क्रॉसओवर लगा हुआ है, अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। आप चाहे तो खाली लो पास सेट कर सकते हैं, हाई पास रहने दे सकते हैं, इस तरीके से आप इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ इक्विलाइज़र है, इक्विलाइज़र में भी आपको देखिए आउटपुट इक्यू में भी 8 बैंड, 8 फिल्टर, 8 स्लोप, 8 टाइप के अलग अलग फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, क्यू सी भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल इसको सेट करने के बाद ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, ग्राफ में देख सकते हैं। लिमिटर में जाके आप यहाँ थ्रेश होल्ड सेट कीजिए, पीक उसका सेट कीजिए, रिलीज टाइम सेट कर सकते हैं, रिलीज सेकंड में, जो भी आपको सेट करना है सेट कर सकते हैं यहाँ उसका ग्राफ में।
डिडक्शन भी देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे आप दोनों चैनलों में सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्पीकर ट्यूनिंग में जाके यहाँ से आप देखिए अलग अलग टाइप के आपको जो सेटिंग चाहिए, सिनेमा इंस्टॉल्ड, पोर्टेबल, रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्ट। जैसे सिनेमा में इंस्टॉल्ड में मैं गया, अब यहाँ देखिए सिलेक्ट सीरीज, मैं एसी सीरीज में गया। अब यहाँ देखिए मॉडल एसी 15, 16, सारे मॉडल आपको इसमें मिलेंगे। ये देखिए आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो प्रीसेट इसमें सेट कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों चैनल पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ जाके आप अपने नाम से रिकॉल में जाके यहाँ पे अपने नाम से आप अपना प्रीसेट भी सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं आप अलग अलग टाइप के। देखिए आपको यहाँ पे 20 प्रीसेट्स मिलते हैं, जिसमें से 19 यूज़र एक फैक्ट्री प्रीसेट्स होता है। आप इसमें से कोई भी प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको डिफ़ॉल्ट पे भी कर सकते हैं। ओके करके आपका ये डिफ़ॉल्ट पे चला गया। यहाँ जाके आप सारे फीचर्स को स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें आप इस एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ म्यूज़िक चला के आपको, तब पता लगेगा आपको। अब आप देखिए मैं यहाँ पे इसका इनपुट ईक्यू सेट करता हूँ। यहाँ से मैंने लिया स्लोप इसका 13.5 डीबी, ऑक्टेव 1 किलो हर्ट्स पे है। मैं इसकी सेटिंग करता हूँ मान लीजिए यहाँ से, उसके बाद मैं इसका गेन बढ़ाता हूँ थोड़ा ऊपर। यहाँ से क्यू सेट करता हूँ मैं, आप देखिए वाइड होता जा रहा है उसका। मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, देखिए आप म्यूजिक में आपको गेन थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, फर्क दिख रहा होगा। देखिए गेन घटा दिया मैंने, ये देखिए ये मैं ले गया इसको 78 के पास, तो बेस बढ़ गया इसमें। देखिए अब देखिए देखिए इसमें एचएफ भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको सिर्फ इसमें। तो इस तरीके से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। देखा आपने, मैं बैक जाता हूँ। ऐसे ही आप क्रॉसओवर की सेटिंग कर सकते हैं इसमें। जैसे एलआर हाई पास पे मैं गया और मैंने इसको काटा 55 हर्ट्ज पे। देखिए म्यूजिक में फ़र्क आपको दिख गया होगा। अब मैं एलआर 24 की जगह, ये देखिए वाइड हो गया मेरा, अब मुझे एकदम क्लियर करना है। म्यूजिक मेरा देखिए चेंज हो गया। अब मैं उसी तरीके से यहाँ से लो भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ग्राफ को यहाँ से सिंपल, देखिए देखिए जितनी फ्रीक्वेंसी में आगे आ रहा हूँ मेरा देखिए एचएफ कटता जा रहा है। देखिए आप देखिए एचएफ कट गया मेरा। अब देखिए यहाँ से मैं चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से देखिए मेरा लो कटता जा रहा है। देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरा एचएफ चल रहा है अभी। अभी देखिए आप देखिए सिर्फ बेस चल रहा है। इस तरीके से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से गेन बढ़ा सकते हैं। मैं अब इसको ऑफ कर देता हूँ। देखिए आप तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूँ। ग्लोबल सेटिंग में जाके आप यहाँ टेम्परेचर, चैनल 1, चैनल 2, इनकी पावर सप्लाई का टेम्परेचर, एसी का वोल्टेज कितना आ रहा है,
ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये सब पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ जाके आप पावर मोड में, जैसे आपको मैंने बताया था ऑटोमेटिक पावर डाउन का मैनुअली, वो इसमें दिखा रहा है। देखिए आप यहाँ पे टाइमिंग सेट करके, आप थ्रेशोल्ड सेट करके, आप इसको ऑटोमेटिक सेटिंग पे कर सकते हैं, जिससे आपका एम्पलीफायर जितनी देर तक नहीं चलेगा आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग, उतनी देर बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उससे। और उसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे ग्लोबल सेटिंग में ही आपको यहाँ फ्रंट पैनल लॉकआउट आता है, इसको आप ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको ऑन करने के बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आपका पैनल लॉक हो गया है, लिखा भी हुआ है सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉक है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने इस एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉक करेंगे, तो याद रखिए आपका ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अनलॉक होगा, आप इसको मैन्युअली नहीं कर सकते। और अगर आप इसको मैन्युअली लॉक करते हैं तो आप इसका मैन्युअली अनलॉक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू अनलॉक नहीं कर सकते। अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ। ये सारी सेटिंग्स आपको इस ग्लोबल सेटिंग्स में मिलेंगी, देखिए फ्रंट पैनल कंट्रोल, पावर मोड्स, यहाँ आपके सारे सेटअप, मॉडल नंबर, सारी मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। इस तरीके से आप इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो आर्किटेक्ट इसका सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको दिखाया कैसे ऑनलाइन जाना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। आप इस तरीके से इस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। ये एम्पलीफायर बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव, आप समझिए सस्ता भी है और क्वालिटी में बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं हर टाइप के इंस्टॉलेशन में, हाई से लेके लो तक में, आपका जैसा रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आपको इस एम्पलीफायर में और इस सीरीज़ में, मैं बताऊं 2 चैनल से लेके 4 चैनल तक फैसिलिटी है, 300 वाट से लेके 1200 वाट तक की फैसिलिटी के एम्पलीफायर मिलते हैं। तो आप इनको यूज़ कीजिए, और आपको मैंने सेटिंग बताई कैसे की जाती है। आई होप आपको ये सब समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, और कहीं कोई इशू आता है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी पूरी डिटेल मिलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा, एम्पलीफायर आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे भी इससे अच्छी और ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट की जानकारी मिलती रहेगी। म्यूज़िक प्ले करते करते, ये म्यूज़िक सुनते सुनते मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।